हमें ये बंदा हमें मिला है, ये बंदा हमें मिला है और ये अभी ये देख भाई, इस क्लब में अभी जाके आए थे हम लोग और इस क्लब में टोटल लूट मचा रखी थी। अंदर जाते ही चारों तरफ से आपको घेर लेंगे भाई। ये आप देखोगे ये हर जगह आपको ये मसाज वाले मिल रहे हैं भाई साहब। स्वागत है जी आपका एक नए ब्लॉग में। क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम था इसलिए वॉइस को बंद कर दिया गया है। मैं अभी अपने जो हॉस्टल लिया था उसके एक रूफ और टेंट बार है उसमें आया हुआ हूँ और यहाँ बार में आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो एंट्री होती है वो लगभग 1.5 लाख डोंग लेके वो होती है। उसमें ये लोग आपको एक बियर और एक कोल्ड ड्रिंक फ्री देंगे और जो हमारे हाथ पे है वो मैं अभी देखिए आप देख रहे हैं कि मैं बैंड लगवा रहा हूँ एंट्री के लिए। ये पहले यहाँ पर बैंड लगाया जाता है उसके बाद में ये लोग यहाँ अंदर एंट्री देते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे रात होगी क्राउड होगा जितने भी हॉस्टल में रुके हुए हैं सब लोग ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे फिर पार्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। और मोस्टली ये लोग इंग्लैंड की तरफ से आए हुए हैं, ज़्यादातर यहाँ पे गोरे हैं इस हॉस्टल के अंदर। और आप देख रहे हैं कि अभी म्यूजिक और लाइटें सब स्टार्ट हो चुकी हैं यहाँ पर और जैसे जैसे रात होगी तो यहाँ का माहौल चेंज होता जाएगा। और मुझे ये रेड बुल दी गई है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो बैंड लगा है, क्योंकि ये अल्कोहल नहीं है क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता इसलिए मैंने बियर की जगह रेड बुल ले लिया था। और रेड बुल और बाकी सब लोग हैं वो अपने अपने ड्रिंक्स इंजॉय कर रहे हैं और डीजे भी अच्छी तरीके से बज रहा है आप देख रहे हैं। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में पार्टी ऐसी स्टार्ट होगी कि माहौल इतना ख़तरनाक बन जाएगा कि ये सब कुछ देखने लायक होगा यहाँ पे। और यहाँ से हम फिर निकलते हैं नीचे की ओर जो कि स्ट्रीट की जो नाइट लाइफ है वो भी हम कवर करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी कपल्स आए हुए हैं या अलग अलग जो लोग टूरिस्ट आए हुए हैं वो सारे अपने ड्रिंक्स इंजॉय कर रहे हैं, कोई स्मोकिंग कर रहा है। इसके बाद में ये लोग सारे के सारे डांस पार्टी करेंगे। उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा और लेट हो जाएगा तो ये लोग सब क्या स्ट्रीट की तरफ निकल जाएंगे यहाँ से। इस वक्त मैं आ चुका हूँ हनोई की नाइट लाइफ में। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये सारा सब कुछ माहौल देखने को मिलेगा स्ट्रीट की साइड में, क्योंकि यहाँ पे जो शाम का जो माहौल है वो थोड़ा सा क्या एक्चुअली चेंज हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पे आप देखेंगे एकदम से माहौल चेंज हो गया है। आप देखो कि सारे हर तरफ से आपको ये स्ट्रीट है एकदम से फुल मिलेगी क्योंकि सब लोग यहाँ ऑफिस से और टाइम से अपने सब फ्री होके यहाँ पे सब लोग एंजॉय करने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी एकदम से स्ट्रीट सारा फुल हो चुका है, टेबलें लग चुकी हैं क्योंकि शाम को 8:30 से 9 बजे के बाद में ये टेबलें लग जाती है। जो कि पार्टी है वो शाम सुबह लगभग 4:30 बजे तक चलता है। ये क्राउड 4:30 बजे तक ऐसी ही तरह यहाँ पर रहता है। कुछ देर पहले तक ये लग रहा था कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा और अभी ये देखिए आप ये स्ट्रीट सारी की सारी फुल हो चुकी है। जितने भी टूरिस्ट थे या जो वियतनामीज थे सब यहाँ पे आने लग गए क्योंकि ये चिल करने का टाइम है इनका, क्योंकि अभी ये लोग सब पार्टी करेंगे और सब ये इंजॉय करेंगे। जो कि ये माहौल है सुबह 4:30 बजे तक ऐसे ही यहाँ पर चलता रहेगा। आप देखो कि यहाँ का एकदम माहौल सारा चेंज होने लगा। आगे हम लोग जाएंगे यहाँ की क्लब लाइफ है वो कवर करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि इस तरफ चारों तरफ माहौल चेंज है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, हेलो हाय हाउ आर यू, सारे मतलब लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधे क्लब की ओर, देखते हैं वहाँ के क्लब का जो माहौल है वो किस तरह का बना रहता है, क्योंकि कॉपीराइट के साउंड्स की वजह से हमें भाई ये आप देखोगे ये हर जगह आपको ये मसाज वाले मिल रहे हैं भाई साहब। भाई ये बता रहा है यहाँ पे क्लब है और उसमें क्या टिकटें फ्री है और टेबल फ्री है, आप जाके चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, आप जाके देखें एक बार। तो सोचते हैं देखते हैं उस क्लब की तरफ उसका माहौल कैसा है, क्या है अंदर का माहौल, जाके चेक करते हैं एक बार। कह जी हमें एक ये दोस्त है हमारे जो फ्लाइट में हमारे साथ आए थे वो भी हमें वापस से फिर मिल गए यहाँ पे। अंकुश अमृतसर से। और इनका क्या नाम भैया था? जसविंदर भैया। ये आप भी अमृतसर से ये भी। और अभी हम कोई क्लब हमें बता रहा था कि थोड़ा सा फ्री है, एक बार जाके चेक कर लेते हैं क्योंकि पूरी रात अभी बाकी पड़ी अपनी, तो जाके देखते हैं कैसा यहाँ क्लब का माहौल है, अपन जाके देखते हैं। अगर ठीक रहेगा तो वहाँ रुकेंगे वरना वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर और क्लब है वो एक्सप्लोर करेंगे आज यहाँ की नाइट। अब देख रहे हैं हर तरफ स्ट्रीट भरी पड़ी है भाई, देखते हैं अभी ये बार की साइड इज दिस बार। अब इधर वो बता रहा है अभी देखते हैं वो बार किस साइड में है अभी जाके। या ओके चल भाई चल, ये कहाँ लेके जाता है देखते हैं। घुसाते जा रहा है
भाई इस क्लब में अभी जाके आए थे हम लोग और इस क्लब में टोटल लूट मचा रखी थी। अंदर जाते ही चारों तरफ से आपको घेर लेंगे और घेरने के बाद में वो आपको एक गुब्बारा सा लेके उसमें टेबलेट का पाउडर बना रखा है कि गुब्बारा खरीद लो उससे नशा हो जाएगा। अच्छी खासी लूट मचा रखी है भाई। जैसे आपको थोड़ा सा नशा होगा आप एकदम साफ मिलेंगे, एकदम आप साफ मिलेंगे, क्योंकि जो गुब्बारा है उसमें एक तरह से ड्रग्स का भरा हुआ है एकदम से। तो जैसे ही आप जाओगे अंदर वो लड़की आएगी, गुब्बारा खरीदे या ना खरीदे वो एयर आपके पास छोड़ेगी, थोड़ा सा धुआं उसका पाउडर उठा नशे का, वो आपके नाक से टच हुआ, अंदर गया, आप साफ है भाई। बहुत केयरफुली क्लब में जाएं, पैसे लेके ना जाएं, अपना पैसा वो एक लिमिट में रखें और बहुत ध्यान रखें केयरफुली, वरना आप साफ हो जाओगे। यहाँ पे एक 1900 क्लब 90s का क्लब बताया, वहाँ जाते भाई, ये बहुत बड़ा क्लब है, जाके देखते हैं यहाँ का क्लब, ये माहौल कैसा, सारा सब कुछ जाके चेक करेंगे अभी। ये बंदा हमें मिला है और ये अभी ये देखिए लड़कियां दिखा रहा है ये, और शायद ये नहीं दिखानी चाहिए, ये दिखा रहा है, दलाल बना हुआ है भाई। अभी ये भी मिल चुका है यहाँ पे और हमें ये दलाल भी मिल गया भाई। देख लो आप ये क्या दिखा रहा है भाई, क्या धन्य मिल ही गया आखिर में भाई। वो फ्री में बोल रहा है कि देखने के पैसे नहीं, आप देख के आओ। तो चलो क्या है, टाइम पास करने के लिए चल पड़ते, देखने के लिए अपना क्या है, करना कुछ है नहीं, टाइम पास करना भाई, पता तो लगे यहाँ का, एक्सप्लोर करें कैसा क्या है, सारा सब कुछ माहौल यहाँ का। देखते वो हमें दिखाने के लिए लेके जा रहा है, वो राहुल दलाल वो लेके जा रहा हमारे आगे आगे है। थोड़ा सा थक गए थे स्ट्रीट पे घूमते घूमते, तो सारों ने थोड़ा सा मैंगो जूस वगैरह लिया और जिसका हमारा बिल बना है लगभग 1,26,050 डोंग। तो थोड़ा सा अच्छा हुआ फील हो रहा है पीने के बाद में। ये देखिए ये जूस वगैरह हमने लिया था और अब निकलते हैं। इधर कोई भैया ने कुछ रेस्टोरेंट बताया, उसके पास जाके कोई चेक करते हैं कि वहाँ का नाइट लाइफ वहाँ भी थोड़ी अलग बताइए, तो वो जाके चेक करते हैं कि कैसी क्या है सारी नाइट लाइफ वहाँ की। भाई इस वक्त बज चुके हैं रात के लगभग 1 और अभी तक वैसे ही भीड़ है, और थोड़ी देर पहले स्ट्रीट के साइड पुलिस भी आ गई थी क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा हो गया था कि मतलब कुछ भी हो सकता था। अभी पुलिस अभी भी यहीं खड़ी है, आप देख सकते हैं वो सामने खड़ी, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया था तो इस वजह से पुलिस आ गई थी भाई, क्योंकि क्राउड ने इतना हो हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया कि हर तरफ दिक्कतें होने लगी थी और हर तरफ से ब्लॉक हो चुका था सारा सब कुछ। अभी देखते इस रोड की साइड और निकलते हैं, इधर का देखते हैं माहौल कैसा रहता है इस गलियों में। रात के लगभग 2:15 और आप देख सकते हैं किस तरह क्राउड हो रखा है अभी भी भाई। ये क्राउड धीरे धीरे ख़त्म होगा, रात को लगभग सुबह 4:30-5 बजे जाते जाते 4:30-5 बज जाएंगे इसको। हेलो ओके ओके भाई, ये देखिए हर तरफ क्लब, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, डांस वगैरह, म्यूजिक सब सारा चल रहा है भाई। ये सारा ख़त्म होते होते इनको सुबह हो जाएगी, फिर सुबह आप जब देखोगे इसको तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ था ही नहीं रात में, और हर रोज़ ये इसी तरह की लाइफ जीते हैं। हर रोज़ रात को 9 से 8:30 से 9 बजे के बाद में स्ट्रीट सारी फुल हो जाती है,